ये कानून सबके लिए सही होना चाहिए, वो फिर वो लड़की हो या लड़का। वो लड़की एक गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर था, बेचारा गरीब, उसको मार रही थी। अब कोई नहीं आएगा बोलने के लिए, वो कोई नहीं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि लड़के हैं ना हम लोग यार, हम लड़के लोग हैं। अगर यही लड़के ने अगर मारा होता वो लड़की को, तो बाप रे बाप, हाय हाय, अभी तक तो फुल हंगामा हुआ होता। मगर वो लड़की ने मारा है वो लड़के को, और वहां पे एक पुलिस वाला भी खड़ा है। तो लड़कों के ऊपर जो अत्याचार हो रहेगा होएगा ना, तो उसका उसके लिए कोई इंसाफ नहीं। एक गलती से अगर वो लड़के ने खींच लिया होता ना, तो फिर तो सोशल मीडिया पे तो आ जाते फिर। सोशल मीडिया पे आ जाते एकदम फटाफट। मगर ये लड़की ने ऐसा किया, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये कहाँ के लखनऊ का कुछ मैटर है ना, ये जरा मुझे बताओ, ये कहाँ का मैटर है? लखनऊ का है क्या? जरा कोई मुझे बताएगा कि ये जो मैटर हुआ था लखनऊ, अच्छा लखनऊ का, तो वहां के कानून को बताता हूँ, वहां के पुलिस ऑफिसर, वहां के जितने भी मिनिस्टर है उन लोग को बोलता है कि अगर अगर ये चीज अगर किसी लड़के के हाथ से होती तो उसको उसको बराबर उसको सैनिटाइजर लगाते बंबू को, और उसको बराबर उसकी गांड लाल करते तुम लोग, अगर वो अगर ये लाफा खींचता तो। और ये लड़की ने उसको बीच रास्ते पे बेचारे को मारा। चलो उसका कुछ गलती है या नहीं है, उसके लिए कानून बना है, मगर संविधान ने हक नहीं दिया कि आप किसी को रोड पे मारो। तो ये लड़की के खिलाफ कोई, मैं चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान की बहन बेटियां भी आवाज उठाए कि ये लड़की को ना सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम लड़के ही गलत नहीं होते, हर टाइम लड़के गलत नहीं होते। हाँ तो जितनी मेरी बहन बेटियां है ना हिंदुस्तान की, प्लीज सपोर्ट करो वो लड़के को, क्योंकि गलत हो गया। शायद वो उसमें तुम्हारा भाई भी हो सकता था, बेटा भी हो सकता था। हो सके तो आप लोग भी आवाज उठाओ, अगर आपके लिए ये लड़के हर बार आवाज उठाते आपके साथ गलत होता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपके कोई भाई के साथ, किसी के बेटे के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग भी आवाज उठाओ। प्लीज रिक्वेस्ट है आपको, जितनी भी मेरी बहन बेटियां है सबको बोलना चाहता है कि आप लोग भी वो लड़के के लिए, लड़की को इंसाफ मिले, आवाज उठाओ, और लड़की को सजा होनी चाहिए। वरना आपके ऊपर कभी अगर कोई अत्याचार करेगा ना, आपके साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, फिर कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसके लिए जितना हो सके आप लोग आवाज उठाओ। क्या हुआ? पानी बोतल इस साइड देने का है, उस साइड नहीं, यहां पे रख दो ना, यहां पे रख दो। तो आप लोग भी, हाँ सही बात है, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं।
सब एक समान है तो कानून भी एक समान ही होना चाहिए। तो प्लीज अगर लड़के सोशल मीडिया पे अगर आपके साथ कुछ होता है तो सारे लड़के आपके इंसाफ के लिए आपके लिए जब आवाज उठाते तो आज लड़कियों का भी फर्ज बन रहा है कि आप लोग भी आवाज उठाओ उस लड़के के लिए, और वो लड़की ने जिसने मारा है उसको भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाओ, गलत किया उसने।